हेलो एवरीवन, आज है 12 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजिंग एंड केमिकल्स GNFC के बारे में। 275 रुपये पे शेयर ट्रेड कर रहा है आज भी, 32 रुपये की गिरावट है, कम से कम ऑलमोस्ट 10% की ये गिरावट है। और इतना ही नहीं, पिछले कुछ दिनों में इस शेयर्स में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर इस गिरावट की वजह क्या है और आपको आने वाले दिनों में इसमें किस तरीके से इन्वेस्ट करना चाहिए। वीडियो शुरू करो उससे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम इसकी बात करें GNFC की, तो पिछले एक हफ्ते की अगर मैं बात करूँ, देखिए 13% की गिरावट है। 323 रुपये पे ये शेयर ट्रेड कर रहा था और काफ़ी ज़्यादा इसमें गिरावट आ चुकी है। पिछले एक महीने में आप देखिए 25% के आसपास की गिरावट है। 378 रुपीज़ का हाई बनाया था, 378, अब देखिए कॉन्स्टेंटली गिरावट है और अब बड़ी गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है। पिछले एक साल की अगर हम बात करें तो एक साल में 43% से भी ज़्यादा की गिरावट है। 500 रुपये के आसपास ये शेयर ट्रेड कर रहा था, 500 रुपये, आज 275 पे ये शेयर आ चुका है एक ही साल में। 3 साल की बात करें तो हालांकि 290% का ग्रोथ है, 67 रुपीज़ का लो बना है और 540 रुपये का हाई बना है। अब देखिए यहाँ से 2016 से जो बढ़िया पिकअप इसने किया था, 67 रुपीज़ से एक ही साल में 500 रुपये तक पहुँच गया था। लेकिन उसके बाद 2017 से जो गिरावट आई है वो भी देखने लायक है। 10 साल की अगर हम बात करें तो GNFC में पिछले 10 साल में 327% का ग्रोथ है, 53 रुपीज़ का लो है, 540 रुपये का हाई है। अब बात करें तो देखिए स्मॉल कैप स्टॉक है, 4,280 करोड़ का मार्केट कैप है। NSE में भी 21 लाख शेयर्स का वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिला है। और जो गिरावट है अभी हाल फिलहाल में उसकी रीज़न भी है, देखिए दिसंबर के नतीजे बहुत ही खराब आए हैं इसके। नेट सेल की बात करें तो दिसंबर 2017 में जो नेट सेल 1,590 करोड़ था वो सेप्टेम्बर 2018 में इंक्रीज होकर 1,640 करोड़ का रहा, और दिसंबर 2018 में डिक्रीज हुआ है 1,220 करोड़ के आसपास, मतलब 25% से भी ज़्यादा की गिरावट नेट सेल में है। नेट प्रॉफिट में 44% से ज़्यादा की गिरावट है। देखिए 227 करोड़ का दिसंबर 2017 का नेट प्रॉफिट था, वो सितंबर 2018 में ऑलमोस्ट 300 करोड़ के आसपास का रहा और दिसंबर 2018 में 165 करोड़ के आसपास, मतलब 44% की गिरावट। और जो सबसे ज़्यादा बुरी खबर है वो है इसका प्रॉफिट मार्जिन। देखिए 26.92 का प्रॉफिट मार्जिन था दिसंबर 2017 में, सितंबर 2018 में गिरावट आई है प्रॉफिट मार्जिन में 22.65, और अभी तो 6.56, मतलब 16% से भी ज्यादा की गिरावट प्रॉफिट मार्जिन में। देखिए प्रॉफिट मार्जिन बहुत नीचे गिर चुका है इसका। और अगर बात करें तो शेयर होल्डिंग की, तो प्रमोटर्स के पास 41.20% की होल्डिंग है, FIIs के पास 12.67% की होल्डिंग है और म्यूचुअल फंड के पास 2.80% की होल्डिंग है। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास 32.53% की होल्डिंग है। और अब देखिए प्रमोटर्स के द्वारा शेयर एक भी गिरवी नहीं है, ये अच्छी बात है। बात की जाए म्यूचुअल फंड की, तो 15 म्यूचुअल फंड स्कीम्स ने अपना पैसा लगाया है, 166 FIIs ने इसमें अपना पैसा लगाया है, और देखिए 75% का डिविडेंड आपको ये पे कर रहा है। और अगर हम मनी कंट्रोल में मैं जाऊँ तो 67% बाइंग रिकमेंडेशन है, 31 सेल रिकमेंडेशन है, 2% होल्ड रिकमेंडेशन है इसमें। और अगर मैं इसके फाइनेंशियल डेटा निकालूँ तो इसके ऊपर 230 करोड़ का कर्जा है, लेकिन असेट्स भी बहुत सारे हैं। और म्यूचुअल फंड की बात की जाए तो म्यूचुअल फंड में भी आप देखिए आदित्य बिरला, आदित्य बिरला, आदित्य बिरला में काफ़ी बड़ी क्वांटिटीज में शेयर है, लेकिन उतनी बड़ी क्वांटिटीज में शेयर नहीं दिख रहे मुझे। तो हाल फिलहाल में आखिर इसमें क्या करना चाहिए, तो मेरे हिसाब से इस शेयर को हाल फिलहाल अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि आने वाले दिनों में और भी ज़्यादा गिरावट आएगी। रीज़न साफ है, नेट प्रॉफिट बहुत नीचे है, और उससे ज़्यादा जो दिक्कत मुझे लग रही है वो है प्रॉफिट मार्जिन। जब तक प्रॉफिट मार्जिन बढ़िया नहीं होगा इसके शेयर्स में आपको तेज़ी नहीं देखने को मिलेगी। तो आने वाले दिनों में जो शेयर अभी आपको 275 पे ट्रेड करना हुआ दिख रहा है वो 200 रुपये तक भी जा सकता है। तो मेरे हिसाब से जो भी नए बायर्स हैं उनको मैं यही कहूंगा कि GNFC शेयर्स को हाल फिलहाल में ना ले, क्योंकि
देखिए कंपनी बहुत बढ़िया है, बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपको कब खरीदना है और कब नहीं खरीदना है। तो मैं ये कहूंगा कि अभी इससे दूर रहे, जब ये 200 से नीचे चला जाएगा उसके बाद हम देखेंगे कि अब इसके वैल्यूएशंस कैसे हैं और इसमें खरीदारी कर सकते हैं या नहीं। लेकिन अभी तो यही है कि इसके शेयर से दूर रहा जाए। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ अभी इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू।